तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा प्रदेश बीडी शर्मा, वन मंत्री शाह, आदिवासी विकास खंड करहल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा स्थल का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर मौके का जायजा लिया और कार्यक्रम की रूपरेखा के ऊपर चर्चा के साथ ही मुख्यमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हेलीकॉप्टर से कुल्लू नेशनल पार्क में बने चीते के बाड़े को देखने के लिए रवाना हो गए, जहां से वे ग्वालियर जाएंगे और ग्वालियर से भोपाल के लिए रवाना होंगे। तो उनका जन्मदिन भी है, उत्साह और आनंद से सब लोग भरे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उनके आगमन पर जो आवश्यक तैयारियां हैं वो सारी तैयारियां जो स्तर पर कुल्लू नेशनल पार्क में आ रहे हैं जी, और चीतों का यहां पर वो स्थानांतरण करेंगे। वो यहां पर ऐसे अभियान को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री इस प्रकार के काम के लिए, जिनका जीवों के प्रति, वन के प्रति, पर्यावरण के प्रति इतना प्रेम है और हम सबको जो स्वागत देंगे, तो मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत गौरव का क्षण है और हम सब कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान करहल पहुंचे थे, जिनके साथ केंद्रीय मंत्रियों का दल भी पहुंचा था, जहां पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक के बाद कुल्लू नेशनल पार्क के लिए रवाना हुए, जहां शिवराज सिंह चौहान चीते के बाड़े और कई व्यवस्थाओं का जायजा लेकर भोपाल के लिए रवाना होंगे।